गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर फिफ्टीन ऑफ अर ग्रामर बुक्स नॉनम्स एंड एंटोनिम्स पेज नंबर नाइंटी टू यद एक्सरसाइज ए राइट दिन ऑफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द ब्लैंक ठीक है मीन्स वॉट वी हैव टू डू इज हमें जो वर्ड दिया हुआ है उसका सिनोनिम लिखना है मीन्स सेम मीनिंग जो दो उस वर्ड का मीनिंग है वही हमको दूसरे में सेम लिखना है एफ्लुएंट वेल्दी मीन्स अमीर या अमीरी एक्यूज चार्ज मीन्स किसी पे आप इल्ज़ाम लगाओ ब्लेम लगाओ या उसके ऊपर ऑलरेडी किसी चीज़ का हो स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ ब्रूटल क्रूअल मतलब बहुत ही वायलेंस तरीके से या किसी के आ, किसी के लिए अच्छा काइंड बिहेवियर नहीं होना वो होता है ब्रूटल या क्रूअल केपेबल एबल मीन्स आप करने के योग्य हैं केयर्स डिसऑर्डर मीन्स कोई भी चीज़ सीक्वेंस वाइज नहीं हो डिस्टर्ब हो या डिफरेंट हो कंपेल फोर्स मीन्स किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करना या करवाना कंसेंट एग्री मीन्स किसी चीज के लिए हामी भरना डिसीव चीट मीन्स धोखाधड़ी ब्राउजी स्लीपी मीन्स नींद आना टाइप्स एडिबल ईटेबल मीन्स खाने लायक इंसल्ट मॉक मतलब इंसल्ट का मीन आपको पता ही होगा मॉक का मीनिंग किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करना या उसे कुछ बुरा बुरा बोलना, म्यूट साइलेंट मीन्स पता ही है आप सबको फॉरबिड प्रोहिड मीन्स प्रतिबंध लगा देना किसी चीज़ को अलाउ नहीं करना सेंट स्मेल मीन्स खुशबू पता ही है आप सबको एमिनेंट मीन्स फेमस एस्टॉनिश मीन्स सरप्राइजफुल या चेयरफुल सरप्राइज लिखा इसका मीनिंग reluctant या अनविलिंगली मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं कर पाना वो चीज़ या मना कर देना arrogant, हॉटी means समझना कि मुझसे बेटर कोई नहीं है ovation, applause मीन्स जो ऑडियंस से हमें तारीफ या तालियाँ मिलती हैं बी टेक राइट द वर्ड that इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन कलर मीन्स हमें चूज द करेक्ट टाइप्स हैं प्लेंटीफुल प्लेंटीफुल मीन्स इनफ जितना हमें चाहिए होता है उससे ज़्यादा इसका सिनोनियम हम लिखेंगे एम्पल साइलेंट आप सबको पता है म्यूट फिनिश मीन्स खत्म एंड एग्री अभी हमने पढ़ा कंसेंट डिसक्लोज मीन्स कोई भी चीज़ को ओपनली दिखाना ओपन डीनाउंस क्रिटिसाइज किसी चीज़ की निंदा करना कॉम्प्रीह मीन्स समझाना या समझना अंडरस्टैंड एडिबल मीन्स खाने लाया कीटेबल शोर sure मीन्स बिल्कुल सर्टेन पार्डन एक्सक्यूज मीन्स किसी को माफ कर देना या उसने कोई गलती की हो तो छोड़ देना या फिर साइड कर देना रिप्लेस द कलर वर्ड्स विथ अनादर वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग एंड वी राइट द सेंटेंस मीन हमको सेंटेंस एड एज इट इज़ लिखना है सिर्फ जो कलरफुल है उसका सेम मीनिंग कुछ अनादर वर्ड में देना है फर्स्ट इज द मॉब स्कैटर्ड ऑन हियरिंग द शॉर्ट मीन्स बिखर जाना scattered मीन्स उसका हमने सेम मीनिंग लिखा डिस्पर्स द रिच मैन वॉज एन एमिनेंट पर्सन एमिनेंट का हमने सेम लिखा फेमस एम्पल का प्लेटिफुल राउंड मतलब गोल हमने उसका लिखा सर्कुलर एक्सक्यूज का हमने लिखा पार्डन मीन्स छोड़ देना अशोका वॉज अ courteous किंग मीन्स एक काइंड किंग बोल सकते हैं उसका हमने लिखा पोलाइट द बुक इज इन द मिडल ऑफ ट्रेज यानी कि सेंटर नेक्स्ट पेज नंबर नाइन्टी सिक्स मैच द वर्ड इन कॉलम विद एंटोनियम इन कॉलम बी अब हमें ऑपोजिट लिखना है यूजलेस का यूजफुल रूलर मीन्स गाँव में जो होता है उसका हम लिखेंगे अर्बन शहरी लिथैर्जिक मीन्स आलसी इसका हम अपोजिट लिखेंगे एनर्जेटिक फोर्थ केयरफुल का केयरलेस फिफ्थ सरप्लस यानी कि ज़्यादा अमाउंट में उसका लिखेंगे हम डेफिसिट थैंकलेस का थैंकफुल inferior का सुप्रीरियर होपलेस का होपफुल permanent का टेम्प्ररी चेयरफुल का चेयरलेस बी राइट द opposites ऑफ द फॉलोइंग अब वही सेम चीज करना है सरप्लस ग्रेन्स मीन्स जो ग्रेन्स हैं दाने हैं जो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इसका हम सरपलस की जगह लिख देंगे डेफिशट नॉइजी की जगह हम क्वाइट जूनियर का आपको अपोजिट पता है सीनियर होता है पॉजिटिव का सबको पता है नेगेटिव होता है लॉयल मीन्स किसी भी चीज के लिए आप हो कि हाँ चीटिंग एंड ऑल नहीं करनी है प्रेशरस उसका अपोजिट वीक यानी कि सबको पता है स्ट्रोंग रिस्की सेफ अक्रूअल किंग अ काइंड किंग टॉकेटिव जो बहुत ज़्यादा तो बात करता है रे, रेटिसेंट यानी कि जो कम बात करता है जूसी यानी कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा ड्राई एशियंट यानी पुराना उसका ऑपोजिट हो जाएगा मॉडर्न अ सिंपल पर्सन इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स भी फुल ऑफ यू नो क्वेश्चन मतलब सिंपल नहीं हो टफ हो थोड़ा नेक्स्ट पेज नंबर नाइंटी सेवन वही करना है टेक द करेक्ट दैट इज़ ऑपोजिट इन मीनिंग पहले हमने सेम मीनिंग किया था नाव यू हैव टू डू इज ऑपोजिट मीनिंग फर्स्ट इज़ जूनियर इसका हम लोग लिखेंगे सीनियर वैकेंट मीन्स खाली उसका ऑपोजिट लिखेंगे फुल कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत ही टफ या कन्फ्यूजन भरा उसका ऑपोजिट हम लिखेंगे सिंपल पोवर्टी मीन्स गरीबी इसका ऑपोजिट लिखेंगे वेल्थ यानी अमीरी स्मूथ का हम लिखेंगे रफ़ प्रोहिबिट मतलब बंद हो जाना इसका हम लिखेंगे परमिट एशियन पुराना इसका हम लिखेंगे मॉडर्न अपजमी मतलब छोटी कोई चीज़ हो या बहुत ही बोल सकते हैं और इसका हम लिखेंगे जेन्ट राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अब हमें फिर से सिनोनिम्स लिखने हैं अबैंड छोड़ देना लीव एमिएबल का काइंड एनुअल यानी कि साल में जो एक बार वो ईयरली भी वही सेम एरोगेंट हॉटी मैंने अभी बताया ब्रूटल क्रूल भी मैंने अभी बताया कॉशियस मीन्स किसी भी चीज़ को देख देख के परख परख के करना उसका सेम मीनिंग केयरफुल सीज मीन्स बंद कर देना स्टॉक बैनिश एग्जाइल मीन्स होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह या कंट्री से बाहर निकाल देना नॉटी मीन शरारती डिसोबीडियंट वर्चुअस अपराइड मीन्स थोड़ा स्टैंडर्ड और जो मोरल वैल्यूज़ रखता हो आंसर मीन्स किसी जवाब देना उसका सेम मीनिंग रिप्लाई यूनाइट मीन्स इकट्ठा जॉइन लेटेंट हिडन छुपा हुआ एमिनेंट का फेमस ब्राउजी मतलब नींद आना स्लीपी डिवल्स मीन्स डिस्क्लोज किसी भी चीज़ को मीन्स ओपनली शो करना विक्ट्री कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत सडन मतलब एकदम से होना एब्रप्ट क्लासीफाई यानी कि कोई भी चीज़ एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगी या, arranged हो या अरेंज हो अरेंज डिसऑर्डर क्योर्स मीन्स कोई भी चीज़ एक प्रॉपरली नहीं हो पोलाइट आपको पता है काइंड काइंडनेस ये सब होता है पोलाइट का कर्टियस इनफ का प्लेंटी मीन्स हमें जितना चाहिए उतना ही और प्लेटीफुल मतलब होता है इनफ से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटमोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट इसका सेम मीनिंग इम्पॉर्टेंट इंटेंशन मीन्स जो हमारा होता है पर्पज़ कि हमें क्या करना है पंचुअल मीन्स टाइम से इसका सेम मीनिंग टाइमली